दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक भूल गए हैं तो वो आप किस तरह ओपन कर सकते हैं, चाहे वो पैटर्न लॉक हो, पिन लॉक हो, फिंगरप्रिंट लॉक हो या कोई भी लॉक हो, आप इसको आसानी से खोल सकते हैं और वो भी डाटा लॉस किए बगैर, यानी कि आपका लॉक भी खुल जाएगा और आपका डाटा भी सेफ रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल लॉक को खोलने के लिए मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर तो आप मोबाइल का लॉक डाटा जाया किए बगैर खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। नंबर 1 मेथड है हमारे पास यूजिंग गूगल अकाउंट पासवर्ड। नंबर 2 एंड्रॉइड एसडीके टूल्स। नंबर 3 डॉक्टर फोन अनलॉक। नंबर 4 अरुमा फाइल मैनेजर। नंबर 5 सेफ मोड टू बाईपास थर्ड पार्टी ऐप स्क्रीन लॉक। इन पहले 5 मेथड में आपका डाटा सेफ रहेगा और नंबर 6 पर है फैक्ट्री रीसेट, इसमें आपका डाटा लॉस हो जाएगा। अगर तो आपका डाटा कीमती नहीं है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको फॉलो करें जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपका डाटा इम्पोर्टेंट है तो फिर आप इसको हरगिज फॉलो ना कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेथड नंबर 1 से, यूजिंग गूगल अकाउंट पासवर्ड। अगर तो आपके फोन का वाईफाई खुशकिस्मती से ऑन रह गया है तो आप कोई भी पैटर्न 5 बार से ज्यादा बार ड्रॉ करें तो आपके पास फॉरगेट पैटर्न का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करें। इसमें आप अपने जीमेल की आईडी और पासवर्ड लगाएं, वही आईडी जो आप प्ले स्टोर में यूज कर रहे थे, और इसके बाद साइन इन पर क्लिक कर दें। आपके पास स्क्रीन लॉक सेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आप इसका न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इसको नॉन पर क्लिक कर दें तो आपके पास एंड्रॉइड होम स्क्रीन शो होगी, मगर ये मेथड ओल्ड एंड्रॉइड वर्जन पर काम करता है। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन है तो आप सेकेंड मेथड को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है हमारे पास एंड्रॉइड एसडीके टूल्स। अपने कंप्यूटर में एंड्रॉइड एसडीके टूल्स को इंस्टॉल करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। या आप अपना ब्राउजर को ओपन करें और गूगल में लिखें एंड्रॉइड एसडीके टूल्स और इस वेबसाइट पर आ जाएं। स्क्रॉल डाउन करें तो ये विंडोज 64 बिट, 32 बिट और मैक के लिए अवेलेबल है। आपके पास कौन सी विंडो इंस्टॉल है, 32 बिट या 64 बिट, वो आप देख सकते हैं दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में। तो मेरे पास 64 बिट इंस्टॉल है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन में आपको 10 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी यूएसबी डिबगिंग एनेबल होनी चाहिए जब आपका फोन लॉक हुआ था, तो मतलब आपने इस फोन की यूएसबी डिबगिंग पहले से ऑन कर रखी हो। अपने फोन को यूएसबी केबल की मदद से अपने पीसी के साथ कनेक्ट करें और इसके बाद ये वाला फोल्डर ओपन करें जहां पर एंड्रॉइड एसडीके टूल इंस्टॉल है। आपको जाना है सी पार्टीशन में, उसके बाद यूजर। यूजर में आपके पीसी का जो भी नेम होगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर फहद है। इसके बाद ऐप डाटा, तो ये वाला फोल्डर आपके पीसी में हाइड हो सकता है। आप अपने सिस्टम की हिडन फाइल्स को शो कर दें। इसके बाद लोकल, एंड्रॉइड, एसडीके और फिर प्लेटफॉर्म टूल्स में। इसके बाद यहाँ पर खाली जगह पर आप राइट क्लिक करें और ओपन कमांड विंडो हेयर पर क्लिक कर दें। आपके पास कमांड विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर कुछ कमांड्स देनी हैं, जैसा कि ये देखने के लिए कि आपका फोन पीसी से कनेक्ट है या नहीं, कमांड दीजिए एबीडी डिवाइसेस और एंटर कर दें। तो ये बता रहा है कि ये डिवाइस अटैच है। इसके बाद आपको ये कमांड एंटर करनी है। आप इन दोनों में से कोई भी कमांड दे सकते हैं। आप इन कमांड को वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने कमांड को कॉपी किया हुआ है तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करें और दैट्स इट। आपके फोन का लॉक रिमूव हो चुका है और वो भी विदाउट डाटा लॉस। तो इस मेथड की जो रिक्वायरमेंट थी
वो ये थी कि आपके फोन की यूएसबी डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। अगर तो वो ऑन नहीं थी तो फिर आप फॉलो कर सकते हैं थर्ड मेथड को। थर्ड मेथड है डॉक्टर फोन अनलॉक। इसको आप अपने पीसी में इंस्टॉल करें। इसका डाउनलोड लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहां से अनलॉक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, इसके बाद एंड्रॉयड को सिलेक्ट करें और अपने मोबाइल को पीसी के साथ डाटा केबल की मदद से कनेक्ट करें। इसके बाद यहां से अपने फोन का ब्रांड, डिवाइस नेम और मॉडल को सिलेक्ट करें। जैसा कि मेरे पास यहां सैमसंग का फोन है, सैमसंग S5 और मॉडल है G900F। आप अपने फोन का मॉडल मोबाइल की बैटरी निकाल के उसके पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब आपको जाना है डाउनलोड मोड में। इसके लिए फोन को सबसे पहले ऑफ करें, फिर वॉल्यूम डाउन, होम और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखें और जब मोबाइल का लोगो शो हो तो बटन छोड़ दें और फिर वॉल्यूम अप पर क्लिक करें। इसके बाद आपका फोन डाउनलोड मोड में चला जाएगा और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिकवरी पैकेज डाउनलोड होने के बाद ये मोबाइल का बैटरी लॉक रिमूव करेगा और वो भी डाटा लॉस किए बगैर। आपको यहाँ से 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो आपके फोन का लॉक रिमूव हो चुका है। आप इस फोन का होम बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा डाटा बिल्कुल महफूज है, मगर फिलहाल ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सैमसंग और एलजी के फोन्स पर काम करता है। और भी डिवाइसेस इसमें आस्ता आस्ता ऐड हो रही हैं। अगर आपके पास किसी और कंपनी का मोबाइल है तो आप फोर्थ मेथड को फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है हमारे पास रूमा फाइल मैनेजर। रूमा फाइल मैनेजर को आप अपने पीसी में डाउनलोड करें। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मेथड सिर्फ तभी वर्क करेगा आपके फोन में अगर आपका फोन एसडी कार्ड सपोर्ट करता है। अगर आपका फोन एसडी कार्ड सपोर्ट नहीं करता, मींस उसमें एसडी कार्ड स्लॉट नहीं, तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा। तो रूमा फाइल मैनेजर डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड फोल्डर में जाएं और उसको कॉपी करके अपने मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर दें। इसके बाद अपने एसडी कार्ड को अपने फोन में इंसर्ट करें और इसके बाद फोन को स्टॉक रिकवरी मोड में ऑन करें। स्टॉक रिकवरी मोड में ऑन करने के लिए अपने फोन को ऑफ करें और फिर पावर बटन, होम बटन और वॉल्यूम अप के बटन को एक साथ दबा कर रखें। कुछ मोबाइल में होम बटन मौजूद नहीं होता तो उनके लिए पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करके रखें। तो जब आप रिकवरी मोड में आ जाएं, अपने वॉल्यूम बटन को दबाकर नीचे आएं और पावर बटन से सिलेक्ट करें इंस्टॉल जिप फ्रॉम एसडी कार्ड। यहां आपके पास ऑप्शन होगा अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज। वहां से इंस्टॉल जिप फ्रॉम एसडी कार्ड पर क्लिक करके रूमा फाइल मैनेजर को ओपन करें। इसकी सेटिंग में जाकर ऑटो माउंट ऑल डिवाइसेस पर क्लिक करें। अब आपको जाना है डाटा फोल्डर में, फिर सिस्टम फोल्डर में। यहां पर आपको GESTURE.KEY या फिर password.key को तलाश करना है। आपको जो भी फाइल इन दोनों में से मिल जाए उनको डिलीट कर दें। इसके बाद अपने फोन को रिस्टार्ट करें। जब आपका फोन ऑन होगा तो स्क्रीन पर पैटर्न लॉक मौजूद होगा, मगर आप कोई भी पैटर्न ड्रा करें तो फोन लॉक खुल जाएगा क्योंकि इसमें पैटर्न लॉक वाली फाइल हमने डिलीट कर दी थी। इसके बाद फिफ्थ मेथड है हमारे पास सेफ मोड टू बायपास थर्ड पार्टी ऐप स्क्रीन लॉक। अगर तो आपने कोई लॉक ऐप इंस्टॉल करके लॉक लगाया हुआ था या फिर बाज़ुकात हमने गैलरी या कुछ ऐप्स पर भी लॉक लगाया होता है ऐप लॉक की मदद से, तो ये मेथड दोनों पर वर्क करेगा, चाहे वो स्क्रीन लॉक हो या कोई भी ऐप लॉक। आपको जाना है फोन के सेफ मोड में। अपने फोन का पावर बटन प्रेस करके रखें और फिर पावर ऑफ पर
होल्ड करके रखें और आपके पास ऑप्शन आएगा रीबूट टू सेफ मोड, इस पर ओके कर दें। आपका फोन रीस्टार्ट होगा और ये करेगा ऐसे कि आपके फोन में जितने भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल होंगे ये उनको डिसेबल कर देगा। अब आप सेटिंग में जाकर उस वाले ऐप को अनइंस्टॉल कर दें और अगर आप चाहें तो उसको बाद में फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लास्ट मेथड है हमारे पास फैक्ट्री डाटा रीसेट। अगर आपका डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका तमाम डाटा लॉस हो जाएगा। सबसे पहले अपने फोन को ऑफ करें, उसके बाद पावर बटन, वॉल्यूम अप और होम बटन को एक साथ दबाकर रखें और इसको दबाए रखें जब तक स्क्रीन पर मोबाइल का लोगो शो ना हो जाए। अगर आपके फोन में होम बटन मौजूद नहीं तो आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाकर रखें। जब आप रिकवरी मोड में आ जाएं, तो वॉल्यूम बटन को दबाकर नीचे आएं और सिलेक्ट करें वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट और पावर बटन से इसको सिलेक्ट कर दें और इसके बाद यस कर दें। और अपने फोन को रीस्टार्ट करें। अब आपके फोन का लॉक रिमूव हो चुका है। आपका फोन बिल्कुल इसी तरह हो गया है जैसे आपने इसको न्यू परचेज किया है। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।